सो ऑल ऑफ यू अपने फोन्स में क्रोम, गूगल क्रोम या आप जो भी यूज करते हो सर्च इंजन, उसमें जाके मेंटीमीटर टाइप करो. MEN, आई एम राइटिंग इट डाउन इन द चैट बॉक्स. MENTIMETER. मेंटीमीटर टाइप करोगे राइट, तो उसमें फिर आप लोग को द वेरी फर्स्ट टाइम यू टाइप, आप लोग का लॉग इन पूछा जाएगा. ज्वाइन अ प्रेजेंटेशन, एकदम फर्स्ट आप लोग को सब लोग एक बार मेंटीमीटर टाइप करो अपने फोन्स पे. एंड सबसे ऊपर वाला जो आ रहा होगा मेंटीमीटर लॉगिन, जस्ट क्लिक ऑन दैट. ऊपर में आ रहा होगा एंटर कोड टू वोट. सबको मिला ये एंटर कोड टू वोट. सो आई विल गिव द कोड इन 1 मिनट. वो कोड आप लोग को टाइप करना है एंड देन आवर क्विज विल स्टार्ट. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, लेट पीपल जॉइन इन. I want all of you, Radhika, Himanshu, Ishrita, to switch on your cameras, please. And those who are not okay. So हमने quiz रखा है on 3 chapters, which is loss distribution, reinsurance and risk models. Paper A and paper B दोनों को हमने questions दिया है. Also अगर आप लोग सिर्फ phone लेके बैठे हो ऐसे नहीं, sit down with a paper pen and with your table book, right? Table book, paper and pen, ये 3 चीज जरूरी है. Quickly, all of you. अपने फोन पे मेंटीमीटर टाइप करो इन गूगल क्रोम एंड देन इट विल आस्क यू फॉर अ कोड. वो कोड मैं अभी आप लोग को दे रही हूँ. जस्ट वेट फॉर अनदर 2-3 मिनट्स. और लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Okay, so the code is, मैं कोड दे देती हूँ आप लोगों को तब तक. सब लोग कोड लिख लो 4-3-2-3. लेट मी शेयर माई स्क्रीन फॉर दैट. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? ओके, सो ये वाला कोड आप लोग को दिया हुआ है 4-3-2-3-0-9-6-2. एंड अपना नेम डाल देना प्लीज इसके बाद. पुट इन योर नेम्स. अगर आप अपना नेम नहीं डाल रहे हो सो आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, राइट?
जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, आई होप आप लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन करा है. यू विल हैव टू टाइप मेंटीमीटर ऑन योर फोन्स एंड देन द कोड इज गिवन एज, मैं लिख देती हूँ ग्रुप में, 4323, एंड आई होप सबने अपना नाम दिया इधर, 0962. ओके, ऑल ऑफ यू, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो. वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जॉइनिंग इन. आई होप सबने अपना नेम्स डाला है, बिकॉज अगर आप अपना नेम्स नहीं डालोगे तो अगर आप जीतोगे तो आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा. ओके, हमारे पास एक सांता क्लॉज भी है. किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, अभी बोलो. आई विल स्टार्ट द क्विज एग्जैक्टली एट 5:15. सब पेन पेपर एंड टेबल बुक, ये तीन चीज बहुत जरूरी है, एंड ऑब्वियसली और कैलकुलेटर्स, ये चार चीज बहुत जरूरी है क्विज के लिए. फोन पे लिखना मेंटीमीटर एंड देन जस्ट टाइप इन दिस कोड. सब लोग का ज्वाइन इन हो गया, अगर कोई बच रहा है, किसी का अगर ज्वाइन इन नहीं हो रहा, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. एक बार थम्स अप दिखा दो मुझे, ऑल ऑफ यू. ठीक है, ज्वाइन इन हो गया, ग्रेट. सो द रूल्स आर, इसमें ऑल द क्वेश्चंस आर टाइम्ड. ठीक है, इन द सेंस कुछ क्वेश्चंस है 15 सेकंड्स के, कुछ क्वेश्चंस है 20 सेकंड्स के, कुछ क्वेश्चंस है 30 सेकंड्स के, कुछ क्वेश्चंस है 1 मिनट के. ठीक है, सो दीज आर द, एंड वो टाइमर वहां पे रहेगा आप लोग के पास. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस वर्क. एंड सेकेंडली, जो सबसे सही आंसर करेगा ऑब्वियसली विल गेट फुल मार्क्स. अदर देन दैट जो सबसे फास्ट आंसर करेगा उसको भी मार्क्स मिलेगा, उसको भी हायर पॉइंट मिलेगा. तो सपोज तो सपोज फॉर पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन नाउ, आप अपने सेलफोन पे मेंटीमीटर टाइप करो. सो इट विल आस्क यू, व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक मेंटीमीटर लॉग इन, इट विल आस्क यू टू गिव अ कोड. तो यहाँ पे आपका कोड है, इस कोड को टाइप करो एंड देन टाइप इन योर नेम इन द नेक्स्ट स्लाइड विच कम्स अप, एंड देन आप क्विज में आपको परमिशन एंट्री मिल जाएगी. राइट, नाउ लिसन टू द रूल्स वेरी केयरफुली. सपोज मुस्कान है एंड अमन है, दोनों ने करेक्ट आंसर दिया. इट विल बी मोस्टली एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दोनों ने करेक्ट आंसर दिया, राइट. बट अगर मुस्कान ने ज्यादा जल्दी दिया दैन अमन, तो मुस्कान को हायर मार्क्स मिलेगा अमन से. क्लियर है? क्लियर है? आफ्टर एवरी राउंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट अ लीडर बोर्ड, जहां पे आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड सबके सामने. ठीक है, एंड एट दी एंड वील हैव द विनर. द रूल्स आर क्लियर टू एवरी वन, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक. आपको अपने फोन पे देखना है, फोन पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे स्क्रीन पे, बट आपको अपने फोन पे सिलेक्ट करना है. जो भी आप सिलेक्ट करोगे, आप अपने फोन पे सिलेक्ट करोगे. ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे तो आपको फोन पे सिलेक्ट करना है. इफ यू हैव टू टाइप समथिंग, कोई कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको टाइप करना है, तो आप फोन पे करोगे. सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सॉरी, तो आप फोन पे टाइप करोगे. यूज योर कैलकुलेटर, यू कैन यूज योर टेबल बुक, वट एवर इट इज, एंड यस दैट इज इट. किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट्स? इट विल बी अ वेरी सिंपल क्विज, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा. इट विल बी ऑल कॉन्सेप्चुअल, आपने पढ़ लिया है काफी अच्छे से ये तीनों चैप्टर्स, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, री इंश्योरेंस एंड रिस्क मॉडल्स. लेट्स स्टार्ट. एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्विकली येस लिख दो, ऑल ऑफ यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट. ग्रेट, कोई भी ऐसा है जिसका ज्वाइन इन नहीं हो रहा, वी कैन वेट फॉर यू टू जस्ट लेट मी नो. कोई भी ऐसा, किसी का ज्वाइन इन नहीं हुआ है मेंटीमीटर पे, सबका हो गया? चलो लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग द क्विज नाउ. ओके, सो क्वेश्चन विल कम ऑन योर फोन.
स्क्रीन एंड आपको जल्दी से क्विकली हैव टू सिलेक्ट योर क्वेश्चन क्लियर. सो लेट्स बिगिन द क्विज. This is your first question. Loss distributions are, and you have four options. Quickly, sab answer karenge. Aapke screen pe hai char options. You just have to quickly select the correct answer. 3, 2, and 1. Finish. Time's up. So let's get the okay. So 14 of you answered positively skewed and have long tails. जो ये दो बच्चे हैं जिन्होंने positively skewed and short tails लिखा है वो मुझसे quiz के बाद मिले. ठीक है? Okay, so let's move. Let's see कौन आ रहा है first. Okay, Manas is first. Then we have Yash, Racheta, Madhu, Avanti, Bhavika. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. यू ऑल कैन बीट. मानस इज एट द वेरी फर्स्ट लेवल. एकदम फास्टेस्ट है. फास्टेस्ट करेक्ट आंसर दिया है एंड ही इज करंटली एट 938 पॉइंट्स. तो आप लोग बीट कर सकते हो उसको. ठीक है, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो क्विकली. ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन. Answer fast to get more points. State which distribution is similar to Pareto. Only one extra parameter is added to it. You have 15 seconds. You have 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Chalo dekhte hain. में किसका आया हाईएस्ट. ओके, बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर. बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में तीन हमारे पैरामीटर्स होते हैं अगर आपको याद नहीं है. अल्फा, लैम्डा एंड देयर इज अ सी पैरामीटर व्हिच इज एडेड. एंड व्हेन सी टेक्स द वैल्यू ऑफ, चलो ये मैं पूछती हूँ, जो हमारे जिसने हमें करेक्ट आंसर दिया है हम उनसे पूछते हैं, उनसे हम पूछते हैं. ठीक है, so 14 people answered bird distribution and we have 4 people answering Babel. Let's see who is first. Okay, तो अभी भी मानस. okay, नहीं अभी हमारे पास है leader. okay, इस वाले question में यश was fastest but अभी भी मानस is leading. अरे क्या है, लड़कियों आगे होगी, क्या हो रहा है. We have third Avanti. Avanti beat करना है आपको इन दोनों को, because I want a girl to win. I'm very partial. Okay, so Manas, can you just answer? क्या सार्थक? फिर हम छोड़ते कोई? तुम्हारा आवाज कभी नहीं आता मुझे, कभी लाइव क्लास में भी नहीं आता. Okay, so Manas, you will get an extra marks if you tell me अगर C का value क्या होता है तो वो Pareto में change हो जाते हैं word distribution. Are you there? कौन बताएगा मुझे? One. Very good. So when the C value is one, वो क्या हो जाता है? Bird distribution changes to Pareto. Very good. अभी भी आप लोग के पास टाइम है, इसको बीट कर सकते हो. You have 22 more questions to go. So let's move to the next question. Question number 3. When is the upper tail of Weibull distribution lighter than that of exponential distribution? These are your four options. You have 15 seconds. 13, 12, 10. Gamma is greater than 1, less than 1, greater than 0, none of the above. Time's up and the correct answer is gamma is greater than 1. कौन है ये सात बच्चे जिन्होंने गामा लेस देन वन करा है? कौन है? गामा, व्हेन गामा इज ग्रेटर देन वन देन वेबल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लाइटर टेल देन एक्सपोनेंशियल.
लेट्स सी कौन जीत रहा है। आई होप कोई लड़की आ रही है टॉप पे, फिंगर्स क्रॉस्ड। अरे क्या मानस फिर से जीत गए। कौन ही मानस सामने आओ, इसको लगता है मेरे सारे सॉल्यूशंस पता है ऑलरेडी। सो वी हैव मानस, यश, मधु, अनमोल, वंदिता। प्लीज गर्ल्स आपको फर्स्ट आना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अगेन गेम इंटरेस्टिंग होगा हम लोग को। सो द फोर्थ क्वेश्चन, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अ पोर्टफोलियो फॉलो टू थ्री, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन लॉस अमाउंट एक्सीड्स द मीन लॉस अमाउंट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। यू हैव टू टाइप डाउन द आंसर, मेक श्योर आप थ्री डेसिमल प्लेसेस तक ही करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा या कम करोगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। सो मेक श्योर यू टाइप इट टिल थ्री डेसिमल प्लेसेस ओनली। यू हैव 1 मिनट टू गो। मेक श्योर इट इज अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। अभी तक आई हैव गॉट जस्ट थ्री, तीन लोगों ने आंसर कर दिया, चार लोगों ने आंसर कर दिया है। फाइव, 30 seconds टू गो, जल्दी ऑल ऑफ यू। ट्वेंटी seconds to go. Ten seconds. Quickly, जो गिव अप कर रहे हैं बच्चे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से फॉर देम। टाइम्स अप, चलो चलो चलो, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके सो आई हैव गॉट दीज आंसर्स। द करेक्ट आंसर वॉज 0.296, और देखते हैं लोगों ने क्या क्या आंसर करा है। ये जिसने 500 आंसर करा है वो जाके वापस से सारी क्लासेस देखेगा। 0.703, वी हैव 259। प्रोबेबिलिटी पूछा था मैंने, मीन नहीं पूछा था। प्रोबेबिलिटी कैसे 1 से ऊपर हो सकता है? जिन्होंने 500 और 259 आंसर करा है वो जाके सो जाओ, जाके सो जाओ। Your brain needs some relaxation. 1 से ऊपर कैसे हो सकता है probability? आपने mean calculate कर दिया क्या? चलो, so the correct answer. Yes, Yash. हाँ, यहाँ पर wrong दे दिया था मेरा, इसलिए पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे मैम, decimal ज़्यादा लिखा है बस। अब कुछ नहीं हो सकता है, Yash. देखा, ऐसी तो girls आगे आएंगे। चलो, so I said 3 decimal places again and again. 0.296, जिन्होंने 6 या 7 डेसिमल प्लेसेस तक सोचा कि एक्स्ट्रा डेसिमल्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। इधर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, चलो पॉइंट्स नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन, लेट्स सी कौन जीत रहे हैं। सो वी हैव इस क्वेश्चन में सबसे फास्ट आंसर करा है अनमोल ने। वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड, वेरी गुड। अनमोल ने सबसे फास्ट आंसर करा है, पर अभी भी मानस लीड कर रहा है। वी हैव वंदिता इन थर्ड प्लेस, यश इन द फोर्थ प्लेस। ओह यश, की होते बात नहीं सुनोगे तो यही होगा। चलो अनमोल वाज द फास्टेस्ट। मैम मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था और नहीं, ठीक है, अरे हम सब बोल रहे हैं बहाना। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। सो अनमोल, वेरी गुड, वेरी 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 गुड दैट यू आर द फास्टेस्ट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका जल्दी से ऊपर आ जाओ। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इजी होगा। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्विकली, क्लेम अराइजिंग फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। द लोअर क्वार्टाइल इज 200, calculate the mean claim size up to 2 decimal places only. You have 1 minute 15 seconds to go.
टू डेसिमल प्लेसेस ओनली, अब होशियारी मत दिखाना, कोई भी 6-7 डेसिमल्स तक मत डालना। चलो चलो क्विक 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 क्विक, काफी टाइम दिया मुझे, लगता है कि ये 30-40 seconds में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। चलो चलो जॉली क्विक, 40 seconds लेफ्ट, अभी तक आई जस्ट गॉट 5 answers। वी हैव अ टोटल ऑफ 30 पीपल, जिसमें से अभी खाली मुझे 8 answers मिले, 20 seconds टू गो, क्विकली। लोअर क्वार्टाइल दिया हुआ है 200, आपको मेन क्लेम साइज निकालना है। थ्री टू वन, टाइम अप, चलो देखते हैं। सो दीज आर द आंसर्स व्हिच आई हैव गॉट एंड द करेक्ट आंसर इज 695.21। काफी लोगों ने आंसर करे, वेरी गुड, 7 पीपल हैव करेक्टली आंसर्ड। देर इज 144 कमिंग फ्रॉम, काफी लोगों ने 144 करा है। वी हैव 400, 695, 695, अगेन रॉन्ग। सो 695.21 इज द करेक्ट आंसर। ये दो जो बच्चे हैं जिन्होंने 212, 211 लिख दिया, आपको मैंने बार बार बोला 2 decimal places, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा फॉर एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो द करेक्ट आंसर वॉज 695.21। कुछ नहीं करना था, टेबल बुक देखना था, आपको लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 गिवन है, आप लोग को मीन क्लेम साइज निकालना था विच इज 1/लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू निकाल के यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट 1/लैम्डा, दैट्स इट। चल देखते हैं किसने सबसे फास्ट आंसर करा है इस क्वेश्चन को। जो गिव अप कर दे रहे ना बस ये सोच के कि नहीं होगा, हम नहीं जीत पाएंगे। सो अगेन वी हैव अनमोल, ने पक्का कुछ चीटिंग करा है। अनमोल इज अगेन द फास्टेस्ट, ऐसा क्यों कि ये सारे क्वेश्चन में अनमोल फास्ट करे? अनमोल आर यू यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ टूल्स? आपको मैंने मना किया, जस्ट यू कैन यूज कैलकुलेटर। नो मैम, जस्ट कैलकुलेटर। वेरी गुड, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। चलो सो वी हैव मानस, अनमोल, वंदिता, सार्थक, यश, मधु, रचेता, आप जल्दी से बीट अप कर सकते हो। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट मी जस्ट गेट यू द क्वेश्चन। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रीइंश्योरर एंड इंश्योरर अंडर XOL। तीन ऑप्शन है, यू हैव 10 seconds टू गो, क्विकली क्विकली सब आंसर करो। 3, 2, and 1, ओवर, टाइम्स अप। वी हैव, वेरी गुड, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन इंश्योरर इज लेस देन और इक्वल टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो चार बच्चे जिन्होंने इफेक्ट ऑन रीइंश्योरर इज लेस देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन करा है, आई एम प्रिटी श्योर वो चार बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करते। सो लेट्स सी कौन जीत रहे, लेट्स सी। अगेन वी हैव द फास्टेस्ट आंसर वॉज बाय अमन शाह, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अमन स्माइल तो करो, ऐसे सैड सा फेस क्यों बना रखा है जीतने के बाद भी। ओके सो अमन जल्दी से जस्ट 2-3 more questions, इफ यू आंसर फास्टेस्ट आप फर्स्ट पे आ जाओगे। सो अनमोल इज टॉप पे अभी, मानस, यश, मधु, अवंती, मजबा, वंदिता, रचिता, अमन एंड सार्थक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द 7th question ऑन द स्क्रीन। एक्सप्लेन बाय एन इंश्योरेंस कंपनी might purchase reinsurance, quickly 10 seconds to go, we have already got all the 5, 4, 3, 2, and 1, tick isme fast kara, bahut easy question tha, to protect itself from risk of large claims,
सो ये रीजन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस परचेज करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वेरी लार्ज क्लेम्स व्हिच कैन कम अप. एंड इससे क्या होता है, उसका क्या रिड्यूस होता है, मेन अमाउंट, राइट, उसका मेन अमाउंट रिड्यूस होता है. टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, दिस इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ लार्ज क्लेम्स. टू रिड्यूस द एवरेज साइज ऑफ द क्लेम्स, ये तीनों आंसर्स करेक्ट थे. सो बेसिकली इट वॉज ऑल ऑफ द अबव. क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट्स सी किसने सही आंसर दिया है. सो वी हैव द फास्टेस्ट आंसर वॉज बाय ओके, सो इट वॉज अमन. वेरी गुड अमन, बस दो तीन क्वेश्चन ऑफ फास्टेस्ट कर लो तो आप फर्स्ट पे आ जाओगे. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन. डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज एक्स माइनस एम गिवन एक्स इज ग्रेटर देन एम इफ एक्स फॉलोज लैम्डा. यू हैव 10 सेकंड्स टू गो, क्विकली सब आंसर करेंगे. क्विकली, एक्सपोनेंशियल एम इंटू लैम्डा, एक्सपोनेंशियल एम प्लस लैम्डा, एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड गामा. वी हैव द करेक्ट आंसर. ओ, इतने लोगों ने गलत लिखा है. वी हैव द करेक्ट आंसर एज एक्सपोनेंशियल लैम्डा. व्हाट अबाउट मेमोरी लेस प्रॉपर्टी अमन? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अनमोल का भी लगता है गलत हुआ है, फेसेस बन गए सबके. सो अच्छा, जिन बच्चों ने एक्सपोनेंशियल एम प्लस लैम्डा करे, वेरी गुड, आप गलत हो. एक्सपोनेंशियल लैम्डा क्यों? मेमोरी लेस प्रॉपर्टी भूल गए बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो CS1 से, है ना, राइट? सो लेट सी ये चार महान बच्चे कौन है जिन्होंने सही आंसर किया. वी जस्ट हैव 4 पीपल करेक्टली आंसरिंग दिस क्वेश्चन. कौन है ये चार बच्चे? सो वी हैव वंदिता, मजबा एंड अमन आंसरिंग, एंड आई डोंट नो द फोर्थ वन, उसका स्क्रीन पे नहीं है. एंड मजबा वॉज द फास्टेस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड मजबा, वंदिता, वेरी गुड. ये चार बच्चे जिन्होंने सही आंसर करे, बाकी सब. वंदिता क्विकली फर्स्ट पे आने आपको. मूविंग टू द नेक्स्ट, आई वॉन्ट गर्ल्स टू कम फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9, चलो. Which one of the statement is false? False. अब true मत करके आना. False. Quickly, four options हैं. आपके screen पे. Which one is false? 10 seconds to go. Quickly, 4, 3, 2, and 1. Time up. So the options were in the individual risk model. The number of risks is specified and fixed. False bola tha, ye true hai IRM mein, yes, the number of risks or the policies are fixed and independent. Individual risks are dependent on each other, obviously not, because these risks are independent. The individual IRM mein hum kya lete hain, policies are independent, the risks are independent. Claims in the collective model are identical. And all of the above. So the correct answer is option number 2 because baki sare sahi hai, true hai. Theek hai? So let's see kisne answer sahi kare. We have 13 people correctly answering. The fastest was very good. Vandita was the fastest. Very good, Vandita. Very good. Anmol, Manas, Yash, Avanti, Abibi, you all have time. Anmol, you have to maintain your first level. Zyada confidence apne andar mat leke aao. Theek hai? Chalo. Disha, Madhu, Aman. Aapke paas abhi bhi bahut sare questions hai to beat everyone else. This is the 10th question on your screen. Which of the following is the characteristic of short-term insurance contract? 3 option hai. Quickly, bahut kam time. Jaldi jaldi. 3, 2, 1.
पॉलिसी होल्डर ऑलवेज पेज अ सिंगल प्रीमियम, गलत क्योंकि ऑलवेज पेज है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल प्रीमियम पे करे. देर कैन बी मोर देन वन क्लेम विच इज करेक्ट एंड मॉरल हैजर्ड इज नॉट प्रेजेंट विच इज रॉन्ग बिकॉज मॉरल हैजर्ड इज प्रेजेंट. क्लियर है? क्लियर है सबको? चार लोगों ने खाली सही आंसर दिया है, ओनली फोर पीपल. These eight people have been tricked by me. मैंने question अभी change करा था just पहले, मैंने इसको always paste कर दिया था, ठीक है? And I purposely reduced the time to 10 seconds only. कोई बात नहीं, ये मैंने किया था ये चीज, इसीलिए we just have four correct answers. Let's see किसने सही दिया है. So we have correct answers by Sarthak, Yash, Anmol. Very good Yash, very good. अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तो तुम खुश हो जाओ यश, ठीक है? अब तुम खुश है? चलो. सो बहुत बहुत बुरी बात है, गर्ल्स एकदम पीछे जा रहे हैं, पर बहुत बुरी बात है. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन. डिस्क्राइब एक्सवेल, डिस्क्राइब एक्सवेल. फोर ऑप्शंस, quickly select one option, you have 10 seconds to go. Three, two, one. So we have reinsurer pays any amount of claim below the retention, नहीं उसके ऊपर pay करता है. Insurer pays any amount of claim before the below the retention. The insurer pays a proportion of claims, reinsurer pays any amount of claims above the retention limit. So we have 11 people answering correct. Let's see kisne sahi kara hai. Very good. And the fastest was again Rachita. Very good Rachita, very good. Chalo, so Anmol अभी भी आप फर्स्ट पे हो, मानस, यश, वंदिता. इनको, इन तीनों को कोई तोड़ो यार, इन तीन, ये तीन तो टॉप. ऑप्शन टू वाज एक्चुअली नॉट फुली करेक्ट, क्योंकि उसमें था एनी अमाउंट, इट शुड बी द क्लेम अमाउंट बेसिकली, नॉट एनी अमाउंट, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो जो भी पीछे है, प्लीज दिस इज योर चांस. आप लोग के पास अभी भी और 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट. क्विकली, एक्स फॉलोस परेटो 4.5 3000, इन्फ्लेशन इज 3%, पॉलिसी एक्सेस इज 100 पर क्लेम. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस नेक्स्ट ईयर इज बोर्न एंटायरली बाय पॉलिसी होल्डर. यू हैव 1 minute 30 seconds टू गो. दीदी मेरा में दिखा रहा है यू डिडंट वोट इन टाइम. हाँ दी, मेरे में भी. सेम. हाँ क्या बोल रहे हो? आई थिंक कुछ बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ इशू हो गया. टाइम अप हो गया क्या आप लोग का? हाँ. ओके, सो सॉरी फॉर दैट. नेवर माइंड, इस क्वेश्चन को अपने स्किप तो नहीं कर सकते, बट आई थिंक देयर वाज अ स्मॉल नेटवर्क इशू. कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं.
लेट्स सी कितने लोगों ने, एंड इन फैक्ट इट वाज आई थिंक फॉर एवरीवन. सो द करेक्ट आंसर वाज 0.134 एंड वी हैव 5 करेक्ट आंसर्स. तो इन्होंने काफी जल्दी करा है. सो एनी वे दीज वर द पीपल हु करेक्टली आंसर्ड फास्टेस्ट. तो देखते हैं कि इन्होंने कितने लोगों ने आंसर करेक्ट किया है. वी हैव अवंती, अनमोल एंड मधु. वेरी गुड ऑल थ्री ऑफ यू, वेरी गुड ऑल थ्री ऑफ यू. एंड मधु वॉज द फास्टेस्ट, वेरी गुड. सो आई नो, ठीक है, सॉरी, आई थिंक देर वॉज अ नेटवर्क इशू एंड उसकी वजह से टाइम गॉट अप. बट ऑब्वियसली जो फास्टेस्ट हैं ये ही है सामने हमारे, 5 पीपल हु आंसर्ड करेक्टली, आउट ऑफ विच वी हैव मधु एज द फास्टेस्ट. वेरी गुड मधु, बिकॉज दिस क्वेश्चन आई नो इसमें टाइम लगता, बट यू आर, यू आंसर्ड इट वेरी फास्ट, वेरी गुड. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We have question number 13. State two conditions for the risk to be insured. And what are the two conditions? You just have to select one option quickly, 5 seconds to go. Quickly, 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 quickly. Okay. So all of the above, the policy holder must have an interest. This is the very first thing, कि पॉलिसी होल्डर जो चीज इंश्योर कर रहा है उसमें उसको कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड सेकेंडली इट मस्ट, द रिस्क मस्ट बी फिनेंशियल एंड क्वांटिफाइबल. अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप क्लेम कैसे पे करोगे, राइट? तो ऑल ऑफ द टू ऑप्शन वर्क करेक्ट. वी हैव 15 पीपल आंसरिंग करेक्ट एंड लेट्स सी किसने फास्ट आंसर करा है. वी हैव कौन है फास्टेस्ट, मधु, वेरी गुड मधु. बस 2-3 क्वेश्चन आप क्विकली फास्ट कर दो आंसर एंड यू विल बी ऑन टॉप. सार्थक को बड़ी हंसी आ रही है, सार्थक बेचारा एकदम नीचे में है. ये है उसके खुशी के दुख के आंसू, हंसी. अनमोल, मानस, यश एंड वंदिता स्टिल टॉप 4. चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा. क्वेश्चन नंबर 14 क्विकली. ये क्वेश्चन ईजी नहीं होगा. बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर्स. And the question is, X follows Pareto 3,400, N follows Poisson 50. Calculate the expected value of S. 30 seconds to go. We have 4 people, 5, 7 logon ne answer kar diya hai. 10. Very good, very good, very good. ऐसा नहीं कि फास्ट आंसर करने पे ही फुल मार्क्स मिलेगा, करेक्ट है तो भी ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिल रहा है. 5 seconds to go. 2 and 1, time up. So the correct answer is 10,000. कुछ नहीं था, बहुत सिंपल, बिकॉज इट्स कंपाउंड पॉइजन. तो क्या होता है लैम्डा M1, व्हाट इज योर लैम्डा 50, व्हाट इज योर M1, व्हाट इज योर M1, लैम्डा बाय अल्फा माइनस 1, which is 400 by 2, which is 200, 200 into 50, which gives you 10,000. Clear? Clear, clear, clear. Very easy question. Let's see. Kaun hai ye 14 log? Kisne answer kara hai sabse fastest? And again, we have fastest answer was again by Anmol. Kahan se aate ye log? Kya kha ke aate hai Anmol? अब क्या खा के आते हो? चलो वेरी गुड. सार्थक अभी भी नीचे है और फिर भी उसके चेहरे पे सबसे ब्राइट स्माइल है. वेरी गुड. वी हैव वंदिता इन द थर्ड प्लेस. गो वंदिता. अवंती, रचिता, मधु, अमन, मजबा करो, हो सकता है. चलो बीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. An insurance policy, insurance policies has 2 types of policies. Basically, type 1 is exponential 1 by 120 with 25% of the claims, and type 2 exponential 1 by 110 with 75% of the claims. Calculate the mean. Calculate the mean. Type 1, type 2, 25%, 75%. You have 1 minute to go.
we already have 13 answered, so 14 logon ne answer kar diya, 15 logon ne. Actually बहुत सिंपल था, इतना टाइम मैंने क्यों दिया पता नहीं इस क्वेश्चन में. वी आर 16 पीपल करेक्टली आंसर्ड, नॉट करेक्टली बट आंसर्ड. 17 करेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे. ओके सो द करेक्ट आंसर इज 112.5. बहुत सिंपल, दोनों का मीन निकालना है और एक 25%, एक को 75% वेटेज देके जस्ट हैव टू ऐड एंड यू विल गेट द आंसर एज 112.5. All of you correctly answered, just one wrong answer. Just we have one wrong answer. Let's see. Kisne fastest kara hai? Phir se Anmol? Nahi. Dekhte. So this time we have Yash as the fastest. Very good, Yash. Very good. Theek hai? Okay. Bas ek do answer correct aur kar do, fastest upar aa jaoge. We have Anmol again leading. अनमोल ले जाएगा आज का प्राइज, मुझे तो यही लग रहा है, पता नहीं, देख लो अब. क्वेश्चन 16 ऑन योर स्क्रीन. क्विकली 10 सेकंड्स टू गो. एक्स आई फॉलोज गामा 6, beta. A random sample of n claims is selected. Mean is x bar. Derive an expression for beta using MOM. And the correct answer was 6 by x bar. Only 5 people answered it correctly. Baki logon ne colored answer kiya. So it's very simple. Gamma ka mean kya hota hai? Alpha by beta, which is 6 by beta, which is equal to x bar. तो आपका बीटा क्या हो जाएगा? 6 by x bar. सो लेट्स सी किसने सबसे फास्टेस्ट करा है. वी हैव द फास्टेस्ट मधु एज द फास्टेस्ट. वेरी गुड मधु, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड अनमोल इज अगेन लीडिंग. वी हैव मानस, वंदिता, रचिता, मधु एंड यश. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और है अभी क्वेश्चंस हमारे पास, और है अभी. दिस इज द 17th क्वेश्चन. अभी आप लोग के पास काफी टाइम है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. द परसेंटाइल्स ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड विथ फंक्शन. ध्यान से देखना, यू हैव 5 ऑप्शंस एंड 10 सेकंड्स टू गो. मुस्कान, मेघा, अमन, सार्थक, क्विकली, भाविका, यश, टाइम्स अप. एंड क्यू परेटो, 14 पीपल रॉन्ग आंसर क्यू परेटो. कोई मुझे बता सकते हैं व्हाई इज दिस रॉन्ग? जो एक बच्चा जिसने नन ऑफ द अबव करा है. हाँ, असल में कोई फंक्शन है नहीं, हम लोग को बनाना पड़ता है. पर हम लोग क्यू परेटो बना लेते हैं, तो इसीलिए लगा क्यू परेटो. नहीं, तो वो तो फंक्शन, इसीलिए तो मैंने नन ऑफ द अबव डाला था. सो द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर किसने करा? करेक्ट आंसर अमन ने किया क्या? अमन शाह? ओ अमन एक्चुअली थोड़ा नीचे है, तो उसका इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा. कोई बात नहीं अमन. सो बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. जो भी फर्स्ट है, पर मेरे लिए तुम फर्स्ट हो. ठीक है अमन, हंसने की बात नहीं है, ये सच बात है. कोई भी फर्स्ट है, अब सुन लो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए विनर है अमन. ओके, बिकॉज ये सारे फंक्शंस तो इनबिल्ट है ही नहीं, आपको बनाने पड़ते हैं. तो आप इसको फंक्शन कैसे मान सकते हो? आप क्यू परेटो फंक्शन बना रहे हो, तो उसको तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो. वो तो क्यू परेटो, हम उसको नाम देते हैं. ठीक है, क्योर. वेरी 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 गुड अमन, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू. जस्ट वन स्टूडेंट आंसर करेक्टली अमन, वेरी गुड. इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी, टू कैलकुलेट द एमएलई व्हिच फंक्शन वी विल यूज एंड ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन. यू हैव 20 सेकंड्स टू गो.
everyone has voted and the first option is the correct option. NLM function on the negative value of log likelihood. जिसने भी ऑन द पॉजिटिव वैल्यू करा है कुछ नहीं बोल सकते, और जिसने भी एस अप्लाई करा है, जिसने तो एस अप्लाई करा है ना, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आपने आई थिंक कुछ करा नहीं क्लासेस, आप बस ऐसे एबीसीडी मन से कर रहे हो. वेयर इज एस अप्लाई कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आया ये एस अप्लाई, कौन ये, मुझे एक्चुअली इधर मिलेगा नहीं कि किसने रॉन्ग आंसर किया है. कोई चैट बॉक्स में ब्रेव होके बता सकता है, अमन तुमने किया है सप्लाई? हम रैंडम गेस मारा था बस. चलो अब हो गया, तुम्हारा वो जो लास्ट टाइम इतना तारीफ किया उसको कैंसिल कर दो, छोड़ दो, ऐसी तुम्हारा तारीफ हो गया था. फास्टेस्ट देखते हैं किसने करा है. सो वी हैव फास्टेस्ट यश आई थिंक. ओके यश इज द फास्टेस्ट, वेरी गुड यश, वेरी गुड. वो क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन देखा है उसने, उसी में टिक कर दिया, राइट, उसने पढ़ा ही नहीं फिर आगे. That is confidence. कि आपको अगर लग रहा है कि first सही है, आप उस पर टिक कर दो. हाँ, अगर वो आपको लग रहा है सही है तो वही सही है, आप आगे का options क्यों पढ़ोगे, right? Very good, Ash. Moving to the next question. बस हम लोग अब कुछ questions बचे हुए हैं. जोश हाई रखो. 19th question. We have 5 questions more. देखो क्या question आता है. चलो. We can obtain the claims paid by the insurer and the reinsurer with retention M using which function? कौन सा function यहाँ पे use करना है हमें, देखो 30 seconds to go. Quickly. Quickly, we have 8 people correctly answered. मतलब not correctly, but answer the question. 20 seconds to go. 15 seconds. देखते हैं सही जवाब कौन सा होता है हमारा. Everyone has voted. Great. So we have second option, P min x comma m. P min parallel minimum, जहाँ पे आप x comma m डाल रहे हो. So obviously आप retention आपका जो भी है, whatever is the minimum, the claim amount or the retention, that is the amount which is paid by y. And z का क्या होता है, P max 0 comma x minus m. या तो 0 या तो x minus m. When m is, when x is actually less than m, तो वो negative आएगा, x minus m, right? तो हम वहाँ पे 0 pay करेंगे. The reinsurer will pay 0. So very good, all of you, all the 11 people, बाकी सारे options हमारे गलत थे, right? So let's see किसने सही करा है and fastest करा है. So the fastest answer was again, I think, oh, it was by Radhika. ये होता है comeback. ये होता है कमबैक. वेरी गुड राधिका, विनर विथ अ डोनट, वेरी गुड. चलो देखते हैं, अनमोल, यश, मानस अभी भी टॉप थ्री पे हैं, कौन इनको बीट कर सकता है. वी हैव जस्ट 4 क्वेश्चंस टू गो. सो वंदिता, मधु, रचेता, राधिका, अभी भी आप लोग कर सकते हो इसको, उनको बीट. चलो 20th क्वेश्चन. An insurance company has a portfolio of 1,000 car insurance policies. Claims follows poison mu and mu follows gamma 2 kappa 8. Calculate the average number of claims per policy. This claims is actually the number of claims following mu. Number of claims follows poison mu. Mu follows gamma 2 kappa 8. Calculate the average number of claims per policy. ये हमारे हैं नंबर ऑफ क्लेम्स पर पॉलिसी फॉलोइंग म्यू. चलो देखते हैं, फॉलोइंग पॉइजन म्यू, वी हैव ऑल द पीपल करेक्ट. ओके ओके, सो द करेक्ट आंसर वाज 0.25 एंड इन फैक्ट दिस वाज द क्वेश्चन वी डिड जस्ट इन आवर लास्ट लाइव क्लास. इफ यू ऑल रिमेम्बर, यही क्वेश्चन था जो हमने अपने लास्ट लाइव क्लास में करा था. तो जिन्होंने भी लाइव क्लास अटेंड किया होगा उनको तो देख के उनको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा होगा, आई थिंक. The correct answer was 0.25. कैसे? Number of claims follows poison mu, right? Mu follows gamma 2 by 8. तो gamma का mean क्या होता है यश? Gamma का mean क्या होता है? Alpha by lambda. तो 2 by 8, which is 1 by 4, which is 0.25. तो हमारा mu क्या आ रहा है? 0.25, which is the average number of claims per policy.
क्लियर है, क्लियर है? चलो देखते हैं, खाली 10 लोगों ने आंसर किया है और ये जो लोग हैं एवरेज नंबर 1/4 इज एक्चुअली करेक्ट बट आई वांटेड इट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं. सो वी हैव वंदिता मानस अनमोल करेक्टली आंसरिंग एंड फास्टेस्ट वर्स्ट वंदिता. तीन क्वेश्चन है यश, तीन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. अच्छा सॉरी मानस, ये वापस आ गया, मानस का कमबैक, मानस का कमबैक था, बट जो भी वंदिता ने यश से फास्टर करा इसीलिए वो उससे ऊपर चली गई. यश यू जस्ट हैव 3 क्वेश्चंस टू गो. मधु यू ऑल्सो हैव 3 क्वेश्चंस टू गो, आप लोग अभी भी आ सकते हो टॉप 3 में एटलीस्ट. चलो नेक्स्ट 21st क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज द पेमेंट ऑफ द रीइंश्योरर जेड विद रिटेंशन एम एंड विद इन्फ्लेशन फैक्टर के would be calculated as the following codes in R. You have 15 seconds to go. 6 लोगों ने आंसर भी कर दिया जवाब, 10 लोगों ने आंसर कर दिया, 14, वेरी गुड, वेरी गुड. टाइम अप, टाइम अप. चलो देखते हैं क्या है हमारा सही आंसर. एंड द सही आंसर था हमारा पी मैक्स 0, KX-M. आप x को इन्फ्लेट कर रहे हो, इन्फ्लेशन फैक्टर आपको दिया हुआ है के, सो इट इज के एक्स माइनस एम. वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, राइट? आप ये नहीं करते हो, जिन्होंने भी 4 लोगों ने ये जो गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया है एक्स माइनस एम, इसका टू दी के टाइम्स एक्चुअली गलत है. क्यों? क्योंकि आपका रिटेंशन चेंज नहीं हो रहा है, रिटेंशन इज नॉट इंक्रीजिंग विद इन्फ्लेशन, राइट? रिटेंशन हम नहीं जनरली चेंज करते हैं, only the claim amounts increase with inflation. तो जिन 4 लोगों ने ये वाला करे, keep your concepts clear. हम retention को नहीं change करते unless and until it is given. But most of the times आपका retention amount नहीं change होता है. Clear? So let's see. We have 11 people correctly answering and the fastest was we have I think Yash this time. अरे वाह यश, वाह 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 यश, वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड यश. एकदम मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया कि कैसे वो टॉप 3 में नहीं है, उसको बहुत गुस्सा आ गया. एंड मानस सामने आया, जाओ सामने आ जाओ. कहाँ है मानस? कैमरा ऑन है क्या मानस का? एक बार यस मैम बोलना मानस. यस मैम. कोई बात नहीं, चलो यू हैव 2 मोर क्वेश्चंस टू गो. कम बैक दिखा दो अपना. चलो वो होता है ना कि हीरो जीत रहा होता है फिर बीच में एकदम हारने लग जाते फिर वापस से जीत जाते हैं. चलो माइनस दिखा दो सबको. वी हैव 22nd क्वेश्चन क्विकली. स्टेट द आर कोड वी विल यूज टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योरर वाई पेज लेस देन 1000. आर कोड क्या होगा हमारा? 3 ऑप्शन है आपके पास. क्विकली 5 सेकंड्स टू गो. सबने माथा पकड़ लिया है, ऐसा क्यों? सो द करेक्ट आंसर वाज आंसर बी. अमन का बार बार फोन फेंक दे उठा के एकदम, बस क्या हो गया. चलो सो वी जस्ट वांट द प्रोबेबिलिटी दैट इंश्योरर पेज लेस देन 1000. तो हम कैसे यूज करेंगे? लेंथ फंक्शन ऑब्वियसली. We'll use indexing by should be less than 1000 divided by length of y. First option क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहाँ पे indexing के बाहर में y नहीं लिया, right? चलो. और last option क्यों गलत है? क्योंकि greater than है. Great. चलो देखते हैं कौन है ये 12 लोग and किसने सबसे fast किया. So we have the fastest. We have the fastest as I think we have one more again. No, we have Radhika. अरे वाह राधिका, ये है असली हीरो, ये है. ये दिख भी नहीं रही थी सामने और अभी आ गई, अभी आ गई 6th नंबर पे. वाह राधिका, वाह. चलो सो वी हैव अनमोल ऑन द टॉप, वंदिता, यश, मानस, रचिता, राधिका, अवंती, मधु, सार्थक एंड दिशा. देखते हैं
यहाँ पे एक्चुअली वी जस्ट गेट टॉप 10, सो बाकी लोग आप लोग टॉप 10 में आ जाओ जल्दी. देखो आपके पास दो क्वेश्चन है अभी भी. 23rd क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. टॉप 10 MLE इन R, व्हिच फंक्शन वी कुड यूज इन प्लेस ऑफ NLM एंड स्टेट द रिस्पेक्टिव पैकेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट. You have 4 options and 5 seconds to go. We have 16 people answering the question, 18 people. Great. So the correct answer was fit distribution, and actually the function is FITDISTR. Ye last mein R hota hai, to wo aap skip mat karna. So 8 and 8, theek hai, ye 8 log dekh lo, yahan pe R nahi tha. Everything else was fine. NLM तो हो ही नहीं सकता because I've written that in place of NLM and NLM is obviously not a part of mass package. Clear है? Function का name was actually fit distribution, FITDISTR. ठीक है, वो R आपने skip कर दिया. Let's see किसने fast answer दिया है सबसे ज्यादा. And we have I think we have Avanti giving the fastest. Yes, we have Avanti giving the fastest answer. Very good. Oh, Avanti aa gayi 5 number pe. Very good. Anmol, Manas, Vandita, Yash. Yash, last question hai. Last question hai. Ye last question hai, Anmol. Hero mat banna, last question hai. Top mein rehne ke liye, Manas, you have this last chance, last question. But Anmol ka actually points, agar aap dekho, it is in 16,951. So, लग रहा है कि अनमोल विनर हो चुका है, बट ठीक है, देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड अवंती, वेरी गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्विज, आवर वेरी फर्स्ट क्विज इज हियर ऑन योर स्क्रीन. The R code for simulating a random sample of 100 values from gamma distribution with alpha 2, lambda 0.25 is given by 2, 1, and go. We have the correct answer as R gamma 100, 2, 0.25. So basically, first we write the value of alpha and then we write the value of lambda. Baki sare options hamare galat the. Theek hai? जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करे, जिस भी एक बच्चे ने, वो एक्चुअली किसी और ट्रैक पे चला गया, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन करे जहाँ पे हम 1/β लेके करते थे. नेवर माइंड. सो लेट्स सी हु इज द फास्टेस्ट एंड हु इज द विनर. फास्टेस्ट इज आई थिंक मधु इज द फास्टेस्ट. यस, एंड द विनर इज अनमोल. So let me just click a photo of this. So the correct answer was by so many of you. Thank you for participating. Anmol, congratulations. Manas, koi baat nahi, you have next chance. Hum every week quiz conduct karenge. Very good, Manas. Very good. Sorry, Anmol. Very good, Anmol. Anmol, ab samne aao, sabko apna face dikhao. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. बोलो थैंक यू मैम, आपके वजह से मैं फर्स्ट आया, ऐसे बोलो. थैंक यू मैम, आपके वजह से मैं फर्स्ट आया. और अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं. चलो, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू अनमोल. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी वेल डन. जिन्होंने भी क्विज में आज क्विज में पार्टिसिपेट करा, इनफैक्ट आई एम सुपर 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 हैप्पी कि आप लोगों ने एटलीस्ट पार्टिसिपेट करा. एंड कांग्रेचुलेशंस. आई होप सबको अच्छा लगा आज का क्विज. दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम एवर दैट वी कंडक्टेड अ क्विज ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी स्टार्टेड विद आवर CS2 बैच. ऑब्वियसली हमने इसके पहले कभी भी क्विज नहीं कंडक्ट करे ऐसे स्केल पे. नॉर्मली वी हैव, बट दिस वॉज अ प्रॉपर फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म पे क्विज कंडक्ट करा. अगर बीच में थोड़ा बहुत एरर्स था, टेक्निकल इश्यूज हुए, अगर हमारा एक बार वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम हुआ वाईफाई में, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट फ्रॉम आवर नेक्स्ट टाइम. एवरी वीक 1 आवर वी ट्राई टू कीप दीज काइंड ऑफ क्विजेस ताकि आप लोग को रियलाइज हो वेयर डू यू स्टैंड
आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो एंड देयर इज, अगर आप लोग इसके बाद यू डोंट हैव टू फील बैड कि यू आर नॉट विनिंग, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट वेयर डू यू स्टैंड, इट्स अबाउट नोइंग वेयर डू यू स्टैंड, राइट? तो ये आप लोग को खुद से कंपेयर करना है, आप लोग को अपने पॉइंट्स पता है, नेक्स्ट टाइम आप लोग को इससे ज्यादा पॉइंट्स लाने हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि अनमोल जीत गया तो अनमोल अनमोल का कॉन्सेप्ट आपसे बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जहाँ पे अनमोल ने भी गलत आंसर करा, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट दैट आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप लोग को पता चले, एंड इट्स जस्ट अ फन इंटरेक्शन एट द एंड ऑफ द वीक जो कि बहुत हैवी हो जाते हैं. So you just know where do you stand, okay? Then you have a great, great Sunday evening. And next week again, we'll keep this quiz. I want all of you to join in. I hope aur bhi log join kare. Aap log please agar group mein likho, for encourage everyone, because as you all can see, we have 100 people in the group. And just, we have 20, 21 people joining in for the quiz. So if you all can write it in the group that we really enjoyed today's quiz. Honest opinions dena. ठीक है, कुछ भी फीडबैक हो मुझे पर्सनली मैसेज करना कि मैम मुझे ये लगा कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, आप ये इम्प्रूव कर सकते हो. आई नो बीच में एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट. अब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वाईफाई में प्रॉब्लम हो ही सकता है. सो एनी फीडबैक मुझे पर्सनली जरूर मैसेज करना एंड एनकरेज योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन. वेरी गुड, वेरी 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 हैप्पी ऑल ऑफ यू, मानस, अनमोल, यश, अमन, अमन, सार्थक, वंदिता, दिशा, ईशान, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा अमिताभ बच्चन वाला फीलिंग आ रहा है एकदम अभी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खिला के, बहुत अच्छा लग रहा है. चलो ओके, सो लेट्स मीट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, वंदिता, मानस, एवरी वन, ईशान, थैंक यू सो मच, अमन. मैं खाली ये कर रही हूँ ताकि ये जो हमारा लॉकडाउन का जो इतना ज़्यादा अजीब सा एटमोसफेयर हो जाते हैं, जस्ट टू मेक इट रियली फन वी आर डूइंग इट. एंड आई होप दिस वॉज द वेरी 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 फर्स्ट टाइम कि हमने ऐसा कुछ करा है कंडक्ट ऑन मेंटीमीटर एंड प्रॉपर, ऐसा हमने करा. इवन माई सिस्टर्स एंजॉयड वॉचिंग. हाँ, तो मतलब ये पक्का अभी नेक्स्ट अमिताभ बच्चन का कॉम्पिटिशन है मेरे से, ठीक है? मैं KBC वालों को भेजने वाली हूँ अपना वीडियो ये यूट्यूब पर डाल के. नेक्स्ट सीजन देख लेना कौन बनेगा करोड़पति विश्वांगी अग्रवाल, ठीक है? चलो, अरे हंसने का तुम लोगों को क्या लगता है, मैंने कॉलेज में और स्कूल में अपने ड्रामा क्लासेस में पार्टिसिपेट किया है बहुत, इसीलिए इसी दिन के लिए. चलो ओके एवरीवन, बाय बाय.